गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटीआर 1 से रिलेटेड बेहद ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको अब पता होनी चाहिए जीएसटीआर 1 की फाइलिंग से रिलेटेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जीएसटीआर 1 के अंदर ये बड़े चेंजेस और इसकी फाइलिंग अब क्यों जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है आपके सामने वो प्रेस रिलीज जो कि जीएसटी काउंसिल की 38th मीटिंग के बाद इशू किया गया था। इसमें जीएसटीआर 1 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ ही साथ उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी आपको अब समझना जरूरी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा गया है फॉलोइंग मेजर्स वुड बी टेकन टू इंप्रूव द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1। मतलब काफी लोगों का जीएसटीआर 1 जो है अभी भी पेंडिंग है, उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग जो है वो कंप्लीट नहीं करी है, तो उसको अब फाइल करवाने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहला जो है वो तो है वेवर ऑफ लेट फी टू बी गिवन टू ऑल द टैक्स पेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पेंडिंग फॉर्म्स इन जीएसटीआर 1 फ्रॉम जुलाई 17 टू नवंबर 19 इफ द सेम आर फाइल्ड बाय 10th जनवरी 2020। मतलब जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ जुलाई 17 से लेके नवंबर 2019 तक का जिनका भी जीएसटीआर 1 पेंडिंग है उनको कोई लेट फी नहीं पे करनी होगी अगर वो अपनी रिटर्न्स को 10 जनवरी 2020 या उससे पहले लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका भी रिटर्न 10 जनवरी 2020 के बाद लगाई जाएगा उसके लिए अब लेट फी का प्रोविजन जो है वो चालू कर दिया जाएगा, और जीएसटी पोर्टल जो है उस चीज के लिए अब लेट फी आपसे कलेक्ट भी कर सकता है। 10 जनवरी 2020 से पहले आप जीएसटीआर 1 फाइल कर लीजिए अगर आप लेट फी से बचना चाहते हैं। दूसरा जो इन्होंने लिखा है वो है ई वे बिल फॉर द टैक्स पेयर्स हु हैव नॉट फाइल्ड देयर फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द टू टैक्स पीरियड्स शैल बी ब्लॉक्ड। अब यहां पे दूसरी चीज लिखी गई है कि अगर आपका ई वे बिल सिर्फ और सिर्फ 3B के लिए ब्लॉक किया गया था तो अब उसको 3B के साथ साथ नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 के लिए भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैं आपको लेकर के चलता हूं जीएसटी पोर्टल पे जिसके की अंदर ई वे बिल हमारे को जनरेट करना होता है। यहां पे आप देख पाएंगे तो यहां लिखा गया है ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इज ब्लॉक्ड आइदर एज द कंसाइनर और एज द कंसाइनी विथ रिस्पेक्ट टू दोज टैक्स पेयर्स हु हैव नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर द लास्ट टू कंसेक्यूटिव मंथ्स। यहां पर साफ साफ बताया गया कि जिनकी भी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग नहीं हुई होगी 2 महीने की कंसेक्यूटिवली उनकी जीएसटी ई वे बिल की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब यहां पे जीएसटीआर 3B के साथ साथ जीएसटीआर 1 को भी जो है वो ब्लॉक करने की बात की जा रही है। मतलब अब आपको जीएसटीआर 1 भी फाइल करना मैंडेटरी है अगर आप ई वे बिल निकालना चाहते हैं। अब आते हैं तीसरे बड़े मुद्दे पे जो कि जीएसटीआर 1 से रिलेटेड है और अल्टीमेटली जीएसटीआर 2A में डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। आप सभी को पता होगा एक नया रूल इंसर्ट किया गया था रूल 36 सब रूल 4 जो कि बात करता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। मतलब जीएसटीआर 1 के अंदर जो इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स अपलोड नहीं होंगे उसके बदले जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा कहां तक, 20% तक। शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। मतलब आपका जो भी जीएसटीआर 2A में डेटा दिखेगा रिसीवर को वो आपको तभी क्रेडिट मिलेगा जब उसके अंदर जीएसटीआर 1 से अपलोडेड इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट किए जाएं। अगर वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द इनवॉइसेस जो अपलोड हुए हैं उसके तक बेनिफिट आपको दिया जाना था। इससे रिलेटेड एक सर्कुलर भी आया था जिसके अंदर क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि कैसे हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। तो उसका पॉइंट नंबर 3 जो है वो बात करता है कि फॉर्म जीएसटीआर 2A बीइंग अ डायनामिक डॉक्यूमेंट व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज एडमिसिबल टू अ टैक्स पेयर फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स हुज डिटेल्स हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स। तो आपको यहां पर यह समझना होगा कि अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे तो आपके रिसीवर को
जो आपसे माल परचेज कर रहा है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम में नहीं मिल पाएगा, तो वो आपसे बिजनेस नहीं करना चाहेगा, वो आपसे इनवॉइस जो है वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे बताया गया द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइसेस डेबिट नोट्स हुज डिटेल्स हैज नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द एलिजिबल ITC available to the recipient in respect of invoices or debit notes, the details of which have been uploaded by the suppliers under subsection 1 of section 37, that means GSTR 1 of supplier. As on the due date of filing of the returns, inform GSTR 1 of the suppliers for the said tax period. तो यहाँ पर बिल्कुल clearly बताया गया कि GSTR 1 की जो due date है filing की, उस due date तक हम लोगों को देखना है कि हमारा जो input tax credit लेना है जिस invoices का, वो upload हुआ है GSTR 1 में और हमारे 2A में आया या नहीं। The taxpayers may have to ascertain the same from his auto-populated GSTR 2A as available on the due date of filing of GSTR 1 under subsection 1 of section 37. तो ये चीज को करने के लिए आपको reconciliation की जरूरत पड़ेगी कि आप GSTR 1, GSTR 2A और अपने purchase register को reconcile कर पाएं कि क्या invoices आपने book किया है, क्या invoices automatically auto-populate किया गया है GSTR 2A में। तो reconciliation करने के लिए आप clear tax का reconciliation tool इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ अभी क्लियर टैक्स के अंदर न्यू ईयर बोनांजा सेल चल रहा है, जिसमें आपको 55% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप इस डिस्काउंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहां जाकर के आप इस पेज पर जाकर के अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के इस ऑफर को क्लेम कर सकते हैं। ये ऑफर 26 दिसंबर तक सीमित रखी गई है। अब यहाँ पे जो चेंज किया गया प्रेस रिलीज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जा रहा था 20% तक, अब उस 20% की अमाउंट को घटा करके कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 10%। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द रिसीपिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन हिज फॉर्म जीएसटीआर 2A शैल बी रिस्ट्रिक्टेड to 10% of the eligible input tax credit available in respect of invoices or debit notes reflected in his form GSTR 2A. पहले आपको not uploaded invoices के बदले uploaded invoices का 20% दिया जाता था, अब उसके बदले आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ द अपलोडेड इनवॉइसेस का क्रेडिट जो है वही दिया जाएगा। तो यहाँ पे और भी ज्यादा अब रिसीवर एंड पे जो है परेशानी बढ़ जाएगी अगर आप अपना GSTR 1 जो है समय पे फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपको 20% तक दिया जाता था, अब इसको 10% कर दिया गया है। क्या पता आने वाले दिनों में अपलोडेड इनवॉइसेस का ही क्रेडिट दिया जाए, नॉट अपलोडेड का 100% आपको नहीं दिया जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए GSTR 1 को अब आप जरूर फाइल करें। और अगर आप एक चीज देखेंगे तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो टू चेक द मेनेंस ऑफ फेक इनवॉइसेस सूटेबल एक्शन टू बी टेकन फॉर ब्लॉकिंग ऑफ फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन सर्टेन सिचुएशंस। अगर आपने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी ऐसे इनवॉइस के बेसिस पे लिया है फ्रॉड के जरिए या फ्रॉडुलेंटली वे में लिया गया है, तो उसको भी अब ब्लॉक कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहां पर आपको एक चीज बिल्कुल सुनिश्चित करनी है कि जिस भी सप्लायर से आपने माल परचेज किया है उसका GSTR 1 लगा हुआ होना चाहिए, मतलब आपके GSTR 2A में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर भी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है कि आपका GSTR 2A जो है वो इनवॉइसेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो ये कुछ चीजें हैं जो GSTR 1 से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण है, इनको समझना जरूरी है और GSTR 1 को अब टाइमली फाइल करना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको GSTR 1 से जुड़ी ये इंपॉर्टेंट खबरें, ये इंपॉर्टेंट अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी और इनकी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि GSTR 1 में जो चेंजेस, जो अपडेट आए हैं, अब उसके बाद हम लोगों को कैसे काम करना है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।